हेलो फ्रेंड्स, जय साई राम, जय जिनेन्द्र। कोठारीज क्लब में आप सबका स्वागत है। मैं आज साउथ इंडियन रेसिपी बनाने जा रही हूँ। इसका नाम है अवियल। ज़्यादातर लोगों को, नॉर्थ इंडियन लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैं ये हिंदी वर्शन में बना रही हूँ। ये रेसिपी बहुत अच्छा है और ये सबके साथ खा सकता है। दाल चावल, सांभर चावल, रसम चावल, पराठे के साथ, पूरी के साथ, चपाती के साथ, डोसे के साथ, सबके साथ ये बहुत पसंद आएगा। ये सब बहुत अच्छी रेसिपी है। आपको मैं क्या क्या चाहिए इस अवियल के लिए मैं दिखा रही हूँ इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए क्या क्या सब्जी चाहिए मैं आपको बता रही हूँ। लंबा लंबा काटना है पोटैटो। मैंने लंबा लंबा काट लिया है ऐसे। इसके लिए एक पोटैटो लिया है, कैरेट लिया है एक, ये भी लंबा लंबा काटा है, और कच्चा केला है, कच्चा केले को भी लंबे लंबे काटा है। बीन्स है, ऐसा काट लेते हैं बीन्स को भी। और ड्रमस्टिक, इसमें ड्रमस्टिक डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसके लिए मैंने आधा कटोरी नारियल लिया है, चार ग्रीन चिल्ली लिया है, एक स्पून जीरा लिया है, 1/4 स्पून हल्दी लिया है, करी लीव्स लिया है, नमक स्वाद अनुसार लिया है। अभी चलो कैसे बनाते हैं मैं दिखाती हूँ। अभी मैं गैस चालू कर रही हूँ। सब्जी डूबने तक कितना पानी चाहिए वो अनुसार देख लीजिए। मैं अभी 2 ग्लास पानी डाल रही हूँ इसमें। ये पानी उबलने के टाइम पर ये सब्जियाँ डालना है, थोड़ा उबलना है। इसमें नमक स्वादानुसार डालेंगे। और हल्दी डाल रही हूँ। अभी पानी उबल रहा है, इसमें सब सब्जियां डालेंगे। पहले आलू डालेंगे, ये थोड़ा पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। 2 मिनट आलू और गाजर को पकने देंगे। इसमें हम कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं। वो कैसे लास्ट में यूज़ करते हैं मैं आपको बताऊंगा। आलू और गाजर पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए ये 2-5 मिनट पकने के बाद हम ये 2 सब्जियां डालेंगे और ड्रमस्टिक डालेंगे। थोड़ा ढक के रखेंगे इसको। ये 5 मिनट उबल गया है, अभी ये सब सब्जियां इसमें डालेंगे। ये सब्जी डूबने के लिए जितना पानी चाहिए उतना ही डालना है, ज़्यादा मत डालिए। इसमें बैंगन भी डाल सकते हैं, पालोर भी डाल सकते हैं, जिसको जो पसंद है सब सब्जी डाल सकते हैं। नमक कम पड़ा तो नमक डालिए। इसमें अभी ऊपर से ड्रमस्टिक भी धो के डाल दिए। मेरा ये पानी बराबर है और इसको अभी ढक के पकने देते हैं। और तब तक एक ग्रेट किया हुआ नारियल है, आधा नारियल लिया था मैंने, वो छोटा मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। इसके साथ में 4 मिर्ची ले रही हूँ, ग्रीन चिल्ली, और 1 स्पून जीरा, इसको अभी ग्राइंड कर लेंगे हम लोग। हमारा सब्जी अभी पक गया है, देखिए मैं दिखाती हूँ, अच्छी तरह से पक गया है। अभी इसमें करी लीव्स डालेंगे। पहले और मैंने नारियल, ग्रीन चिल्ली और 1 चम्मच जीरा डाला है, वो भी अभी इसमें डाल रही हूँ।
कोई कोई लोग इसमें दही भी डालते हैं कर्ड, लेकिन हमारा घर में पसंद नहीं है, इसे ही पसंद करते हैं, इसलिए मैं इसे ही बना रही हूँ इसको। इसमें अभी 2 स्पून कोकोनट ऑयल ऊपर से ऐसे ही डालना है। देखिए मैं डाल रही हूँ 2 स्पून। इसको 5 मिनट तक ढकने देंगे। देखिए हमारा सब्जी अभी रेडी हो गया है। साउथ इंडियन रेसिपी का बहुत हेल्थी है, क्योंकि इसमें कुछ ऑयल एक्स्ट्रा केमिकल्स कुछ नहीं डाला, नेचुरल रेसिपी है। बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप ज़रूर इसे बनाइए। और मैं इसे सर्व करने, अभी गैस बंद कर देती हूँ, अभी सर्व करने के लिए इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप ज़रूर ये ट्राई कीजिए घर पे, और मेरे को कमेंट्स में बताइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही रात को कुछ भी साथ में नहीं है, आज हेल्थी फूड है लोग बोलते हैं, तो सिर्फ ये खा सकते हैं, इसके साथ कुछ भी नहीं होना है, ऐसे ही खा सकते हैं।